वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से आज सदर ममलिकत को कौमी असेंबली तहलील करने की एडवाइस भेजे जाने का इम्कान है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक वजीर आजम की एडवाइस मौसूल होने के एक दिन बाद सदर ममलिकत कौमी असेंबली तहलील कर सकते हैं। वजीर आजम और कायद हज़्ब इख्तलाफ के दरमियान अब तक अबूरी वजीर आजम के लिए किसी भी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका है, लेकिन निगरान वजीर आजम के लिए हफीज़ शेख को कई हलकों का पसंदीदा तरीन शख्स समझा जा रहा है। वजीर आजम और कायद हज़्ब इख्तलाफ के दरमियान किसी नाम पर इत्तेफाक ना होने की सूरत में मामला पार्लियामानी कमेटी को भिजवाया जाएगा। अगर पार्लियामानी कमेटी भी किसी नतीजे पर ना पहुंची तो मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी जानब गुज़िश्ता रोज़ राना सनाउल्लाह का कहना था कि निगरान वजीर आजम के नाम का फैसला आज रात 10 बजे तक हो जाएगा। इससे कबल राना सनाउल्लाह ने बताया था कि निगरान वजीर आजम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाने वालों नामों में हफीज़ शेख का नाम भी शामिल है। वजीर दाखिला का कहना था कि निगरान वजीर आजम के लिए हफीज़ शेख या दीगर नामों पर डिस्कशन हो रही है, अभी कोई नाम लॉक नहीं हुआ। आज शाम या कल तक निगरान वजीर आजम का नाम शायद फाइनल हो जाए।